बात अब कोहरे और सर्दी की कर लेते हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में सर्दी जो है वो जम चुकी है। हार कपाने वाली सर्दी से लोग के हाल बेहाल हैं। आमजन की दिनचर्या में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। -2 डिग्री तक भी तापमान माउंट आबू का जा चुका है। दिनचर्या पूरी तरीके से परिवर्तित। सैलानी पहुंच रहे हैं माउंट आबू सर्दी का आनंद लेने के लिए, सर्दी को महसूस करने के लिए और साथ ही साथ घूमने के लिए। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर कोहरा है तो कहीं पर गलन भरी सर्दी है। सर्दी का एहसास बाहर निकलने में इतना ज्यादा हो रहा है कि गलन महसूस हो रही है। हालांकि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरा ज्यादा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। और माउंट आबू की बात करें तो यहां पर भी सर्दी बढ़ रही है। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, आज कैसी सर्दी है, कितनी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है और क्या वहां पर मौसम? देखिए दीपिका, माउंट आबू के मौसम का मिजाज एक अपना अलग मिजाज है। जहां पिछले दिनों तापमापी का पारा जो माइनस रिकॉर्ड हो रहा था, आज तस्वीर कुछ अलग है। हालांकि तापमापी का पारा आज भी जीरो पर है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाकों में आज कई जिलों के अंदर घना कोहरा देख रहे हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां माउंट आबू में मौजूद हैं, और माउंट आबू की जो फिजाएं हैं बेहद अलग नजर आ रही हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं माउंट आबू की इस ऐतिहासिक नक्की झील से, जो सुंदर तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में कोहरा नहीं है लेकिन कड़ाके की सर्दी का यहां पर दौर जारी है। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सर्दी का जो असर है वो यहाँ पर बरकरार है। और इस सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जो है बिल्कुल प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो सैलानियों के आने का जो माउंट आबू का क्रम है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी के बीच भी दीपिका मौसम का मजा यदि लेना हो तो सर्दी के सीजन में माउंट आबू अवश्य आना चाहिए, क्योंकि माउंट आबू की जो सर्दी है अपने आप में खास है। और यहाँ की सर्दी की मैं बात करना चाहूँ तो कह सकते हैं कि जहां सुबह माइनस का टेम्परेचर होता है तो दिन की जो सूर्य की तपिश यहाँ पर महसूस की जाती है, क्योंकि जो तापमापी का पारा है वो लगभग 15 से 16 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में जहां सुबह के समय कड़ाके की सर्दी का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है, ऐसे में जो आने वाला जो सैलानी है वो यहाँ की खूबसूरती, अरावली की जो सुरम्य पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की खूबसूरती, इस झील की खूबसूरती, उसके बीच जो सर्दी का आनंद है कुछ अलग नजर आता है। तो ऐसे में जो यहाँ आने वाला पर्यटक भी है माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल कमलेश, और दिन चढ़ने के साथ साथ दिन ढलने तक समय में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तीन अगर भागों में डिवाइड कर दें तो सुबह के टाइम ज्यादा सर्दी का एहसास, दोपहर में आ जाए तो दोपहर में सब नॉर्मल और रात में फिर से सर्दी बढ़ जाती होगी। लेकिन कमलेश, -0 डिग्री सेल्सियस आप तापमान बता रहे हैं, -2 डिग्री सेल्सियस भी तापमान यहाँ पर गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या है? क्योंकि अलनीनो की बात करें तो कई जगह पर हमने देखा है लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो बर्फबारी ज्यादा हो ही नहीं रही है, सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनको उतना ज्यादा आनंद नहीं मिल रहा है जिसकी आस लगाए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन माउंट आबू की बात करें, आगे आने वाले दिनों में क्या पारा और भी ज्यादा गिरने की संभावना है या फिर -0 में रहेगा या फिर और भी ज्यादा बढ़ेगा? देखिए दीपिका, देश का खूबसूरत हिल स्टेशन कहें तो जम्मू और कश्मीर जो इलाका है वहां पर इस बार बर्फबारी न के बराबर हुई, तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमूमन हम बात करें आंकड़ों की तो पिछले कई सालों से जो माउंट आबू का जो टेम्परेचर था -7 डिग्री तक जाता था लेकिन इस बार -3 तक गया है। तो ऐसे में जो बर्फबारी का जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम का परिवर्तन है उसकी मार तो बिल्कुल झेलनी पड़ रही है। ठीक है कमलेश, मौसम का जो परिवर्तन है उसका असर भी झेलना पड़ ही रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।